15 लाख रुपए हर गरीब को मिलेगा, कहाँ मिले ये बताइए। हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज की यात्रा करेगा कहाँ कर रहा है? बेरोजगार लोग देखिए घूम रहे हैं, हर जगह प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कहाँ नौकरियाँ? 2 करोड़ नौकरियाँ कहाँ मिल रही है? 70 साल में जो नहीं हुआ वो अभी हो गया, जो 70 साल में नहीं हुआ मोदी जी ने करके दिया है। जो काबिल होगा वही जीतेगा, लेकिन आज का जो माहौल है वो मोदी जी के पक्ष में है पूरी तरह से। नमस्कार, मैं प्रभास और हिंदुस्तान की चुनावी यात्रा पहुंच चुकी है कानपुर। कानपुर में हम बदनाम चाय वाली चौक वाले चौक पर हैं और हमारे साथ हैं अनु अवस्थी हैं, ज़्यादातर लोग इनको जानते होंगे कि बहुत ही मशहूर हास्य कलाकार हैं, और साथ में इस इलाके के कुछ जाने माने लोग हैं, पार्षद भी हैं हमारे साथ। हम समझेंगे कि कानपुर के चुनाव के मुद्दे क्या हैं और कुछ कानपुर के का जो फेमस लंतरानी स्टाइल है उसके बारे में भी अनु जी से बात करेंगे। यहाँ वोटिंग 13 मई को है, चुनाव में समय है अभी। तो अनु जी, क्या मुद्दे हैं, क्या चल रहा है कानपुर के चुनाव का हाल? देखिए, कानपुर में कोई बहुत विशेष मुद्दा ऐसा नहीं है कि जिसकी वजह से हम लोग प्रत्याशी को जिता रहे हूँ। कानपुर एक धर्म युद्ध की लड़ाई में शामिल है। कुछ लोग कहते हैं कानपुर जाम से ग्रसित है, ऐसा नहीं है। अगर आपका 2 कमरे का मकान है, पति पत्नी बच्चा, फिर पत्नी बच्चे के बच्चे, फिर बच्चे के बच्चे, कानपुर जब बना था तो यहाँ 10 लाख की आबादी थी, इस समय कानपुर में 50 लाख की आबादी। थोड़ा सा हम लोग भी गाड़ी अव्यवस्थित खड़ी करते हैं, दुकान आगे बढ़ा लेते हैं, फिर उसके आगे ठिलिया लगा देते हैं, तो ऐसी कानपुर की कोई विशेष समस्या नहीं है कि जिसकी वजह से आत्महत्या करी जाए। कानपुर बहुत खुशहाल, बहुत मौज में रहने वाला और हर माहौल में जीने वाला शहर है, और कानपुर का एक एक आदमी खुश है। यहाँ हिंदू मुस्लिम के बीच में बड़ा भाईचारा है, बड़ी एकता है। अभी उन लोगों की ईद थी, हम लोगों ने धूमधाम से मनाई, अब हम लोगों का त्यौहार आ रहा है, वो लोग मनाएंगे। तो कानपुर से अच्छा देश में कोई शहर नहीं है, कोई भी शहर नहीं। पर जब कानपुर की चर्चा होती है अनु जी, तो प्रदूषण की भी चर्चा होती है। कानपुर 2 नकारात्मक कारणों से बड़ा सुर्खियों में रहता है। कहीं भी गुटखा खाने वाले को लोग कहते हैं कानपुर से हो क्या, और जितने मीम्स बनते हैं वो कानपुर में गुटखा खाने को लेकर बहुत मीम्स बनते हैं, और प्रदूषण को लेकर भी बहुत चर्चा होती है कानपुर की। बहुत बड़े लोग जो गुटखा की बुराई करते हैं, हम लोगों में कहा जाता है गणेश जी का चढ़ावा सुपारी माना जाता है, और फूल चढ़े, दीप चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डू का भोग लगे, संत करें सेवा, तो हम लोग पान और सुपारी गणेश जी में चढ़ाते हैं। कानपुर के जो लोग हैं वो गणेश जी के पुजारी हैं, ठीक है। अब रही बात प्रदूषण की, कानपुर वाले खाने पीने के शौकीन है, हर घर में अलग फरमाइश होती है, अलग चीज़ बनती है, और बाकी गाड़ी चलेगी तो धूल उड़ेगी, अगर जहाँ धूल नहीं होगी तो वहाँ आदमी नहीं होंगे, जहाँ आदमी नहीं होंगे वो शमशान होगा, किसी को बिल्कुल ही अगर बिना धूल के रहना तो शमशान में रह जाके, शहर में रहेगा और इसे जिंदा दिल आदमी का शहर जहाँ पे खाने पीने के शौकीन होंगे, यार बाज होंगे, व्यवहारिक। हम अपने लिए लौकी की सब्जी बनवा चुके हैं, हमरे नाप आ गए, आप कहो पूड़ी खाए गए, हम आपके लिए पूड़ी बनवाई पे, आप कहियो बकुसुआ खाए गए, हम बकुसुआ बनाई पे, आप कहियो कढ़ी चावल। तो जब 14 बार चूल्हा जलेगा अपने अतिथियों के स्वागत के लिए तो प्रदूषण तो होगा, और सुपारी का तो हम लोग सम्मान करते हैं, हम लोग क्या पूजा में रखी जाती है, जाने कौन मूर्ख कह रहा है कि कानपुर गुटखे की वजह जाना जाता है। चलिए अनु जी कह रहे हैं चलती है गाड़ी तो उड़ते या धूल, तो लेकिन ये बताइए फिर खिलता है फूल। हाँ चलिए ठीक है, पार्षद जी ये बताइए कि क्या मुद्दे हैं, आप तो भाजपा से साथ जुड़े हैं ना, क्या लग रहा है चुनाव का? नहीं, चुनाव बिल्कुल जीता जाएगा, दोनों सीटें, हाँ, अकबरपुर से भोले सिंह और शहर से रमेश अवस्थी, मोदी जी की गारंटी बिल्कुल 100% चलेगी। सिर्फ मोदी जी की गारंटी है, कैंडिडेट की कोई गारंटी नहीं, का मतलब है? है जब पूरा देश मान रहा मोदी को तो हम लोग भी मान रहे हैं, 100% मोदी गारंटी। तो फिर पार्षद जी आप काहे नहीं उतार गए, क्यों रमेश अवस्थी जी को बाहर से आके क्यों उतारने दिए, अगर जब मोदी के नाम पे ही चुनाव लड़ना था? अवस्थी जी को मिल जाती चाहे पवन पांडे को मिल जाती, दोनों लोग जीतते, नहीं तो कभी इसको मिल गए हम लोग उसी को कमल का फूल, नहीं तो वो तो कमल का फूल मान लिए ठीक है, लेकिन कभी मलाल नहीं होता है कि बाहर बाहर का आदमी बाहर कर लेंगे शहर के, यानी शहर के पार्टी के बाहर के, कब रमेश अवस्थी भाजपा नेता रहे? इससे पहले तो कभी किसी भी दल के नेता नहीं थे। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, तो बाहर भाजपा अनु जी भाजपा
भाजपा दावा करती है कि हम चाल चरित्र चेहरा और कैडर की पार्टी है, पर अचानक मिस कॉल देके लोग सीधे टिकट पा ले रहे। पहले अभी तक तो मेंबर बन रहे थे, अब मिस कॉल देके टिकट पा ले रहे। पहले टाइपराइटर चलता था, अब कंप्यूटर चलता है। पार्टी को अगर दिखाई पड़ रहा, हमने पहले वाले बच्चे को टाइपराइटर टाइप हम लोगों ने टाइपिंग किया, मेरा बच्चा कंप्यूटर चलाता। आज अगर हमको रमेश अवस्थी में गुण दिख रहे हैं कि जो लंदन जाके भी बात कर सकते हैं, जो बेंगलोर जाके भी बात कर सकते हैं, जो अपने पास से पैसा खर्चा करके आम महोत्सव करा सकते हैं, लोगों के लिए 24 घंटे उपलब्ध रह सकते हैं, तो अगर पार्टी ने उनको दिया तो बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं। चलिए ठीक है, पार्टी ने कुछ युवा भी हैं हमारे साथ जो शायद पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। क्या करते हो बाबू? मैं IIT जैसी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। IIT का प्रिपरेशन कर रहे हो? हम जब घूम रहे थे ना दूसरे इलाकों में, तो लोग कह रहे थे इस सरकार में बाकी तो ठीक ठाक है, रोजगार की बड़ी समस्या है। 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था सरकार ने, कुछ होता दिख रहा है? हाँ, कुछ तो है। रोजगार के विषय में कहा जाए तो हाँ, कुछ समस्याएं हैं। रोजगार हम लोगों को जैसे नहीं उपलब्ध हो पा रहा। अच्छा। और भी जैसे कई लोग हैं, तो सभी लोग इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं जो भी अपने क्षेत्र में सब लगे हुए हैं। कई लोगों को रोजगार उपलब्ध हो पाए हैं। जैसे कहते हैं कि कामयाबी, मतलब जो व्यक्ति अपने जो लक्ष्य है, लक्ष्य में जितना ज़्यादा फोकस करेगा उतनी जल्दी लक्ष्य को अपने प्राप्त कर लेगा। उसी हिसाब से यदि रोजगार की बात की जाए तो रोजगार भी ठीक है, लेकिन उस प्रकार से बच्चों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, बच्चों को रोजगार नहीं मिल पा रहे। आप यहाँ बताइए, भाजपा, कांग्रेस और बसपा तीन उम्मीदवार हैं, किनके किनके बीच मुकाबला है? किसी के बीच में मुकाबला नहीं, भाजपा को छोड़ के। अच्छा, भाजपा को छोड़ के। मैं अभी पार्षद जी कह रहे थे जो भी आ जाए उम्मीदवार मायने ही नहीं रखता है, तो आप तो आम वोटर हैं, आप तो पार्षद नहीं है, नेता नहीं है, आप लोगों के लिए भी कोई कैंडिडेट मायने नहीं रखता है अभी के दौर में? नहीं, कैंडिडेट मायने रखता है। कैंडिडेट हमारे क्षेत्र के बहुत अच्छे हैं, जो भी कैंडिडेट उतारे गए हैं बहुत अच्छे उतारे गए हैं, काबिलियत है उनमें। और सबसे बड़ी बात है जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, जो आज तक उन्होंने जो भी वादे किए हैं पिछले 5 सालों 10 सालों में, वो एक एक वादा उन्होंने पूरा किया है। और सबसे मुख्य चीज़ 370, 3 तलाक, जो आज तक 70 सालों में कोई नहीं कर पाया, वो मोदी जी ने करके दिखाया। इससे बड़ी गारंटी और क्या हो सकती है? अच्छी, भाजपा 400 पार का नारा लगा रही है, और बहुत लोग भाजपा के नेता लोग ही कह रहे हैं, अनंत हेगड़े ने कह दिया था, लल्लू सिंह ने अभी शुक्रवार को कह दिया कि संविधान बदलना है इसलिए चाहिए 400। नहीं नहीं, हम 400 लोग कह रहे हैं, हम तो 425 कह रहे हैं। नहीं नहीं, मेरा ये नहीं कहना है, भाजपा नेता कभी कभी कह देते हैं दबी जुबान में कि संविधान ही बदलना है इस बार, तो संविधान बदलवाने के लिए तैयार है आप? ऐसा कुछ नहीं है, भ्रामक प्रचार हो रहा है, कोई संविधान बदलने की बात नहीं होगी। अगर अच्छी नीतियों का उद्घोष किया जाता है तो इसमें अगर विपक्ष कहता है संविधान बदल रहे हैं या और कुछ कर रहे हैं, तो ये सब गलत भ्रांतियाँ हैं, इस पर ज़्यादा हम लोग ध्यान नहीं देते। हम लोग कहलवा लेते हैं। हम लोग नहीं कहलवाते हैं, हम लोग कहलवा लेते हैं। नहीं कहलवा, नहीं, आप लोग जब से संविधान बना है, संशोधन अलग चीज है, संशोधन और बदलने में अंतर मत समझाइए मुझे। हाँ। अभी तक अरविंद केजरीवाल जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से लगातार ये हाईलाइट कर रहे हैं कि BJP गवर्नमेंट आएगी तो संविधान बदला जाएगा। वो जेल चले गए? नहीं नहीं, वो नहीं, किस वजह से जेल गए? संविधान की नहीं तो ताकत थी, जो भ्रष्टाचारी जेल में जा रहे हैं। नहीं, मेरा सवाल दूसरा था। मैं कह रहा हूँ, ये बताइए, एक सेकंड, मैं इनका, मेरा सवाल ये था कि भाजपा नेता ही कह दे रहे हैं, भाजपा नेता ही कह दे रहे हैं, अभी लल्लू सिंह का बयान शुक्रवार का हो गया है, उससे पहले अनंत हेगड़े ने भी कहा था। लल्लू सिंह जी कह रहे हैं, उनकी आप बात सुन रहे हैं, उन्होंने एक कोई चीज कह दी, छोटा सा पार उठा लिया। मोदी जी जो कह रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं हमारा पूरा देश परिवार है, पूरा भारत परिवार है, उस पे आप ध्यान नहीं दे रहे हो। परिवार वाली बात हो ले ना, मोदी के परिवार बेहतर होगा वो करेंगे। कोई चाचा भी आए बोलने के लिए, हाँ बताइए। मेरा कहने मतलब है, ये गरीब परिवार जो है, मोदी जो राशन दे रहे हैं कि 2 किलो चावल दे रहे हैं, 2 किलो गेहूं दे रहे हैं, 6 किलो ही मिल रहा है। हाँ, 2 किलो मिल रहा है, मेरे पास रखा है, दिखा दे आपको, 6 किलो बाजरा दिया है, समझे, शक्कर मिल रही वो भी बंद कर दिया, मिट्टी तेल मिल रहा वो भी बंद कर दिया, जो 5-3 रुपए समोसा मिल रहा है तो 6-8 रुपए मिल रहा है, गरीब आदमी कैसे जिएगा? मिट्टी तेल भी नहीं मिल रहा, गरीब आदमी कहाँ जिएगा? पानी कोई सुविधा यहाँ है नहीं, रोड पे कोई सुविधा है नहीं, लाइट की कोई सुविधा है नहीं। लाइट तो जल रहा है चाचा। अरे जहाँ जलना चाहिए वहाँ जल रही है, यहाँ तो नहीं जल रही है। हमारे क्षेत्र में कहीं नहीं जल रही है, हमारे क्षेत्र में कोई पानी की टंकी नहीं लगी है, हर एक जगह पानी की टंकी लगी है। चले बढ़िया, चाचा जैसा कह रहे हो एकदम सही कह रहे हैं। भाजपा ने वादा किया था कि 15 लाख रुपए हर गरीब को मिलेगा, कहाँ मिले? ये बताइए, हवाई चप्पल पहनने वाला
हवाई जहाज की यात्रा करेगा, कहाँ कर रहा है, बेरोजगार लोग देखिए घूम रहे हैं हर जगह, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कहाँ नौकरियाँ, 2 करोड़ नौकरियाँ कहाँ मिल रही है मोदी जी ने? पार्षद जी जवाब दीजिए। मोदी जी ने इतने सारे वादे किए, मोदी जी ने वादे किए। और रही बात राम मंदिर की, राम मंदिर एक आस्था का विषय है, उसका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना चाहिए। मैं भी हिंदू हूँ, मैं भी अपने धर्म के प्रति कट्टर हूँ, लेकिन जब हम वोट देने जाते हैं तो सरकार से नहीं कहते हम हिंदू हमें जगाइए, हम हिंदू हैं अपने धर्म के प्रति जागरूक है। और रही बात मंदिर और मस्जिद की, मंदिर बना अच्छी बात है, वो आस्था का विषय है, लेकिन हम सरकार चुनने गए थे तो हम बेरोजगार थे, सरकार आए अच्छी चुनेंगे तो हमें रोजगार मिलेगा, डेवलपमेंट होगा देश का। एक मिनट जी, कह रहे हो पूछ रहे हैं कि कहाँ तक पढ़े हो बाबू? ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहा हूँ बीए। सोशियोलॉजी है, एजुकेशन है, सोशियोलॉजी एजुकेशन, सोशियोलॉजी है जी। आश्रम कितने होते हैं जी? आश्रम कितने हिंदू धर्म में? आश्रम गृहस्थ आश्रम, पहला आश्रम कौन सा जी? पहला आश्रम कौन सा? पहला, अरे ठीक है आपस में आप लोग सवाल जवाब मत कीजिए। नहीं नहीं नहीं, बेरोजगारी रोजगार तो उनको मिलेगा जो वास्तव में। अच्छा अच्छा, आश्रम बताइए आप। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट एक मिनट, अरे अरे ये बताइए पहला आश्रम कौन सा है? सोशियोलॉजी पढ़े हो, पहला आश्रम कौन सा? गृहस्थ आश्रम पहला है? नहीं, ब्रह्मचर्य आश्रम पहला है, ब्रह्मचर्य है, फिर उसके बाद गृहस्थ आश्रम है। हाँ फिर तो मकान नौकरी चाहिए। फिर कौन सा आश्रम है? एक मिनट, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, ये कानपुर है, ये चारों आश्रम बताए, चार आश्रम है कि पांच है? आश्रम चार है। तीसरा कौन सा? हमने अब चार दो के नाम आप बता दिए। अरे दो मालूम है, आप हमें मालूम है। अरे हमें तो मोदी जी ने नौकरी दी है, हम बेरोजगार में, आप बताओ बेरोजगार हो, जब आप बड़ों से नहीं पा रहे हो, आश्रम बता नहीं पा रहे हो। एक मिनट, एक मिनट, ये कानपुर के चौराहों की यही खूबसूरती है। यहाँ बहस, यहाँ बहस, यहाँ बहस जमकर, यहाँ बहस जमकर आपको आपको मोदी नौकरी कब मिला? हमें अभी मिले 3 साल पहले। बहुत देर से नौकरी नहीं मिली आपसे? वही तो कह रहा, 70 साल में चला हुआ वो अभी हो गया, जो 70 साल में नहीं हुआ मोदी जी ने करके दिया है। अरे जवाहरलाल, एक जवाहरलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने चाइना को ये कह के जमीन दे दी थी, यहाँ कुछ उगता नहीं है, तब जमीन दे दी थी। आप बता रहे चाइना ने कब तक मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, इतने हाईवे बन रहे हैं, इसमें रोजगार नहीं मिल रहा है क्या? सरकारों ने बन गए क्या? सरकारों की सब चले चले हम, अरे चले हम, अनु अनु अवस्थी जी माहौल गर्म हो गया, कुछ कुछ हल्का कीजिए, कुछ हल्का कीजिए। 70 साल में सब आईएएस बन गए थे, शांत हो गए, कुछ हल्का कीजिए, माहौल बहुत गर्म हो गया। माहौल ऐसा है, यही कानपुर की मौज है, यही कानपुर की पहचान है। अभी जब ये सब हटेंगे ना तो एक दूसरे के कंधे में हाथ डाल के चले जाएंगे, चैप्टर ये उत्तेजित होते हैं, ये माइक को देख के, ये माइक जो है ना, इसके ये जो ऊपर की खुशी है, ये साला उत्तेजित करता है पब्लिक को। अच्छा चले, ये उत्तेजित करते हैं कुछ हमारे दर्शकों को, आप अपनी जो लोकप्रिय शैली है उसमें कुछ हमारे दर्शकों के लिए कुछ राजनीति पर चुटीला सुना दीजिए। देखिए अब राजनीति बड़ी अलग तरह की हो गई है, पहले खटिया में बैठ के नेता, अबे चुप रहो, पहले खटिया में बैठ के एक बुजुर्ग फरमान जारी कर देता था, पूरा क्षेत्र सुनता था, अब पढ़े लिखे वोटर है और ये जो जनरेशन तैयार हो रही जो आपकी बाईं तरफ खड़ी है, जब ये तैयार हो जाएगी तो राजनीति का रुख बिल्कुल अलग होगा, फिर इनको भड़काना, इनको समझाना, इनको बनाना किसी के बस में नहीं रहेगा। ये पढ़े लिखे लोग हैं और अच्छी वो करेंगे,
बस ये दो चुनाव की बात और है कि जिसमें मेरा तेरा होगा, उसके बाद जो काबिल होगा वही जीतेगा। लेकिन आज का जो माहौल है वो मोदी जी के पक्ष में है पूरी तरह से। रही बात बेरोजगारी की, मेरे परिवार वो ये आप ही के ऊपर लांछन लगा रहे, चलो इनको ठीक है बताओ क्या बोल रहे हैं। बताओ, नमस्कार जी, पूछिए। हाँ बोलो, क्या पूछना है छोटे भाई से? लोग आप सवाल पूछ रही है? नहीं नहीं, कह रहे हो गोदी मीडिया है, क्यों मीडिया क्यों गोदी है? ये तो उनसे पूछिए जो चिल्ला रहे हैं। हम तो चिल्ला रहे थे, हम तो सुन रहे हैं, है ना? सही चीज नहीं दिखा रहे हैं असल में। देखो गोदी गोदी जो बताओ, कुछ कहना था ना तुम्हें? बहुत बहुत आप, हाँ हमें कहना था, बताइए। हम ये कह रहे हैं जो महंगाई हो गई है, महंगाई जो हो रही है ये कुछ ज्यादा ही हो रही, मतलब कि पिछले साल जी आप महंगाई की बात कर रहे हैं पर पॉपुलेशन के हिसाब से, पर कैपिटा इनकम सुना है? बताइए आप, जानते हो? नहीं हम नहीं जानते, हम तो भाई जाहिल आदमी। पहले की देखना, अब की देखना, पहली चीज बस हम अपने अगर बात कर रहे हैं, इकोनॉमिकली बात कर रहे हो, चलो पॉपुलेशन ठीक है यार। ये कानपुर है, यहाँ हर दावे के प्रति दावे हैं, हर बहस के जवाब में एक बहस है। निष्कर्ष पर पहुँचे, निष्कर्ष पर पहुँचना मुश्किल है। हम ऐसे ही मजेदार बहस आप तक पहुँचाते रहेंगे। आप बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।